बूंदी पुलिस अधीक्षक जय यादव ने किया थाने का निरीक्षण। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक बूंदी ने शहर के थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक भी बुलाई गई, जिसमें सीएलजी सदस्यों ने शहर में हो रही चोरी और शहर में फल फूल रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की बात कही। सीएलजी सदस्य सुरेश सोनी ने शहर के मेन चौराहों पर पुलिस जवानों को रात्रि में ड्यूटी लगाने की बात भी कही। पुलिस निरीक्षक जय यादव ने थाने के निरीक्षण के दौरान पेंडिंग पड़े केस की फाइलों का निरीक्षण किया और पेंडिंग पड़े केसों का तुरंत निस्तारण के लिए थानाधिकारी को कहा। पुलिस निरीक्षक जय यादव ने बताया कि शहर में हो रही चोरियां तथा नकाबजनी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में ऊपरी स्तर पर बातचीत चल रही है। लाखेरी थाने को आदर्श थाना बनाने के लिए वृत्ताधिकारी नीतीश जाखड़ तथा थानाधिकारी सहित पूरे स्टाफ को दिशा निर्देश दिए। बूंदी राजस्थान से मनीष सेन की रिपोर्ट। और किन कारणों से लाखेरी थाना जो है नॉर्मल विजिट है, ये हमारे जो है आदर्श थाने में की तरह इसको विकसित किया जा रहा है इस थाने को, तो उसमें क्या क्या इनको करना है उसके बारे में इनको जानकारी दी गई और जो समस्याएं थी पब्लिक की वो भी जानी और जो लोग जिनके मुकदमे दर्ज उन्होंने करा रखे हैं उनके बारे में जानकारी ली गई, क्या प्रोग्रेस हुई और उनसे परिवादियों से भी बातचीत करी और उन्होंने बताया कि हमारे केस में अभी तक ये कार्रवाई हुई है और हम ये चाहते हैं अभी जो संतुष्ट नहीं थे उनके बारे में मैंने निर्देश दिए कि उनकी भी कार्रवाई तुरंत करें और उनको राहत प्रदान करें। इसी के साथ यहाँ लाखेरी में सीसीटीवी कैमरे के लिए भी प्रयासरत हैं और उसी के प्रयास चल रहे हैं कि लाखेरी कस्बे के अंदर कैमरे लगे ताकि जो चोरियां नकबजनी की वारदातें होती हैं उनको खोलने में पुलिस को आसानी रहे। नशे सर, हाँ सर, आए दिन चोरियां हो रही है लाखेरी में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे इंद्रगढ़ हो लाखेरी, वारदातें लगभग सब ट्रेस आउट हो रही है, जो कुछ बची भी हुई है पहले की उनको भी जल्दी ट्रेस आउट कर देंगे, हमारी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। सर यहाँ पे नशे का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, इसमें एक और गांजा बहुत नशे के खिलाफ हमने लगातार बहुत बड़े लेवल पे कार्रवाइयाँ चालू कर रखी है, आपको पता ही होगा हमने बड़ी बड़ी कार्रवाई। लाखेरी में भी करेंगे, यहाँ भी हम जो है सप्लायर पे टारगेट कर रहे हैं। सप्लायर सर बड़े बड़े पूरा पता होने के बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? तो उनके पास माल मिले और उसके बाद ही कार्रवाई होगी, सीधा बंद करने का कोई फायदा नहीं है उसके अंदर, उसके लिए हमें सर्विलेंस पे और उनको लेना पड़ेगा। पहले से पुलिस उनको सूचना क्यों दे देती है? कहीं ऐसी कोई खबर है आपके पास तो बताइए।